इनके वली अहद साहब अपना इलेक्शन मुझसे हार गए, हालांकि मैं जेल में थी, चोरी शुदा सीटों पर बैठे हुए हैं, जेल में बैठी हुई खवातीन ने आपको हरा दिया, लेकिन आप सिर्फ इक्तदार पर मुसल्लत रहने के लिए, आप सिर्फ इक्तदार से चिमटे रहने के लिए इस मुल्क को तबाह बर्बाद और तबाही के दहाने पर ले जाने के लिए तैयार हैं। पीपल्स पार्टी बहुत क्रेडिट लेती थी कि नाना जी ने आइन बनाया है, आज उसी आइन की तबाही करने के ऊपर आप पार्टनर इन क्राइम है, आप उनके साथ खड़े हैं। पूरा पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान निकलेगा, और हम तो हमेशा कहते हैं NA 118 खान का था, खान का है, खान का रहेगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरदार तिब खान रात देखिए जी एन प्लस, मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तरीके साहब के सीनियर रहनुमा आलिया हमजा साहब मौजूद हैं। मैडम आज आप आई हैं, अदालत में पेश हुई हैं इस्लामाबाद में, मुकदमात पर मुकदमात हैं, रिहाई के बावजूद भी आप पर इतने मुकदमात क्यों बनाए गए हैं, क्या कहेंगे, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कब तक खत्म होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं सिर्फ इतना कहूँगी ये तब तक पॉलिटिकली विक्टिमाइज करते रहेंगे जब तक इनको ये लगेगा कि हम खान साहब का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो मैं इतना बता दूँ, खान तो होगा, खान का साथ भी होगा, वो हमारे लिए ये सब बर्दाश्त करें, कैसे हो सकता है कि हम उसका साथ छोड़ दें, कैसे हो सकता है कि हम उसको अकेला छोड़ दें। इस वक्त तो इनको ये बहुत तकलीफ़ है कि लाहौर का जलसा होने लगा है, और लाहौर के जलसे में जैसे मैंने कहा है कि जलसा हम ज़रूर करेंगे, अब एक जगह हमें रोकेंगे, यानी आप अगर मीनार पाकिस्तान हमें नहीं देंगे तो हम पूरे शहर में जलसे करेंगे, जहाँ जहाँ आपकी पुलिस हमें रोकेगी हम वहीं पर जलसा करेंगे। तो इसके बाद ये तकलीफ़ें तो होनी है, इसके बाद तो ये नज़रबंदी करने, अगवा करने, कहीं से भी इस वक्त इनकी कोशिश है कि हमें ना निकलने दिया जाए। लेकिन मैं पाकिस्तानियों को यही बताना चाहती हूँ, परसों घर पे रेड हुआ, कल हमारी PP 147 के इंतखाबी ऑफिस के ऊपर रेड हुआ, आप रेड पर रेड कर रहे हैं और आप हमारे कारकुनान के हौसले, आप पाकिस्तानी आवाम के हौसले फिर भी नहीं कम कर पा रहे हैं। आप एक शख्स को गिराने के लिए कितना गिर सकते हैं? मैं सब कुछ कहूँगी, सिर्फ इतना कहूँगी, कम ज़र्फ़ और गिरा हुआ दुश्मन भी किसी का ना। मैडम ये बताएं कि अलीमा खान साहब ने कल बताया कि इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कि किश्तियाँ जला कर लाहौर वाले निकले और साबित करें कि हकीकी आज़ादी के लिए वो मैदान में निकले, और जिस इस्लामाबाद पिंडी के लोग निकले रुकावटें के बावजूद आए, तो अब लाहौर वालों का इम्तिहान है, लाहौरियों का इम्तिहान। मैं आपको बताऊं, मैं लाहौर की बेटी, पंजाब की बेटी हूं, मुझे पता है कि लाहौरी इतने खूबसूरत लोग हैं और खान पर वो जान देते हैं। आप ये सोचें कि जो डेंट लाहौर ने, जो डेंट पाकिस्तान ने 8 फरवरी को ये सल्तनत अशराफिया को, सल्तनत शरीफिया को लगाया है, वो कोई लगा सकता था? मतलब अफसोस की बात ये नहीं, अफसोस की बात ये है कि बाहर से आया हुआ एक इनका जो सो कॉल्ड गवर्नमेंट डेला था वो अपना इलेक्शन हार गया, इनके वली अहद साहब अपना इलेक्शन मुझसे हार गए, हालांकि मैं जेल में थी, आप खवातीन से इलेक्शन हार गए, लेकिन आप किस तरह से अपनी सीटें, मतलब चोरी शुदा सीटों पर बैठे हुए हैं, जेल में बैठी हुई खवातीन ने आपको हरा दिया, लेकिन आप सिर्फ इक्तदार पर मुसल्लत रहने के लिए, आप सिर्फ इक्तदार से चिमटे रहने के लिए इस मुल्क को तबाह बर्बाद और तबाही के दहाने पर ले जाने के लिए तैयार हैं। जो खान साहब ने बात की है, मैंने एक पैगाम ATC से दिया था, घबराना नहीं है, कहा कि खान साहब घबराना नहीं है, आपकी औरतें बहुत डटी हुई खड़ी हैं। तो आज मैं एक पैगाम इसी के जवाब में खान साहब को दोबारा देती हूँ कि खान साहब हम अपनी कश्तियाँ पहले ही जला चुके हैं, और हम अपनी कश्तियाँ जलाकर हमने 15 माह 4 दिन की जेल बर्दाश्त की, पिछले 1.5 महीने से अदालतों पे अदालत, FIRs पे FIRs, घर पे रेड हर बात बर्दाश्त करें, उसके बाद भी अदालती जंग भी लड़ रहे हैं, अवामी जंग भी लड़ रहे हैं। मैंने उस दिन भी कहा था ना, मैं लाहौर में बैठी हूँ, लाहौर की बेटी हूँ, सिर्फ अदालतों के लिए दूसरे शहर में जाऊंगी, वापस आऊंगी, लाहौर में बैठूंगी और ये बता दूंगी कि कोई पाकिस्तान में नो गो एरिया नहीं है। और ये हमने कश्तियाँ जला दी हैं खान साहब, पाकिस्तानी आवाम ने कश्तियाँ जला दी हैं, और हम कभी आपको मायूस नहीं। जो मजज्बा आइनी तलमीम ला रहे हैं, आइनी अदालतों का जो क्याम है, इसको कैसे देखती हैं आप? तो पार्लियामेंट में रही हैं, आपको सारी चीज़ों को पता है, तो क्या ये जमहूरियत की बेहतर कर रहे हैं जो कुछ कर रहे हैं? ये जमहूरियत को सिर्फ लपेटने के चक्कर में, ये सिर्फ आइन को लपेटने के चक्कर में, लेकिन मुझे अफसोस ये नहीं होता, मुझे अफसोस ये होता है कि जिस आइन पे पीपल्स पार्टी बहुत क्रेडिट लेती थी कि नाना जी ने आइन बनाया है, आज उसी आइन की तबाही करने के ऊपर आप पार्टनर इन क्राइम है, आप उनके साथ खड़े हैं।
ईंट से ईंट बजाने वाले आज चट्टान बन गए हैं, आपको नजर नहीं आ रहा। और दूसरी तरफ वो जिन्होंने वोट को इज्जत देनी थी, उनके हालात ये हैं कि मैं क्लेम से कहती हूँ कि उनके वजीर आजम को भी ये नहीं पता कि उस आईनी मुसवदे में क्या है। वो खान साहब कहते थे ना, एक तो ये ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऊपर से पढ़ते नहीं हैं, तीसरी ऊपर से सोने पे सुहागा ये कि इन्हें इक्तदार पे मुसल्लत रहने का इतना शौक है कि ये उसके लिए हर बात हर डिक्टेशन लेने को तैयार है। मैडम ये बताएं कि इमरान खान साहब के हवाले से कल से खबरें मिस इंफॉर्मेशन फैलाई जा रही है कि इमरान खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया मौलाना फजल रहमान साहब, जबकि उनके जो तर्जमान नहमत पंजोस साहब बेकायदा वीडियो पर काम जारी किया कि ऐसी उन्होंने कोई बात नहीं, उन्होंने उल्टा सराहा है उनके काम को कि मौलाना साहब हकीकी आज़ादी के लिए खड़े हैं तो हम उनको अप्रिशिएट करते हैं और वो हक पर इस टाइम खड़े हैं, लेकिन मिस इंफॉर्मेशन जो फैलाई जा रही है जो कि खान साहब ने अदम एतमाद कर दिया मौलाना पर, तो इस हवाले से क्या कहें? तैयब मेरी एक बात सुनो, ये मिस इंफॉर्मेशन कौन फैला रहे हैं? आप तो रोज़ अडयाला जाते हो, क्या ये लोग आपको कभी अडयाला के पास भी नज़र आए हैं जो ये सारी मिस इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं? पहले तो मुझे इसका जवाब देना, आप तो कभी अडयाला ही नहीं गए, तो आपको क्या पता खान साहब किसके बारे में क्या कहते हैं? आप तो सिर्फ एक बात को प्रोपेगेट करना जानते हैं, आप तो किसी के माउथ पीसेस हैं। तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी, मौलाना साहब ने जो किया है मैं बहुत उसको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, क्योंकि मैं हमेशा ये कहती हूँ इस मुल्क को बचाने का काम अकेला इमरान खान ने ठेका नहीं उठाया हुआ, तो मौलाना साहब हमारा साथ दे रहे हैं और इस मुल्क का साथ दे रहे हैं, वो इससे इज्जत ही कमाएंगे और अवाम में उनकी पिज़र आई होगी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ और कि उन्हें डटे रहना चाहिए, क्योंकि देखें ये कोई पीटीआई के मफाद की तो बात नहीं है, ये तो 25 करोड़ आवाम के मफाद की बात है। और जब ये हमें ये कहते हैं ना, हमें ताने देते हैं, तो मैं सिर्फ इतना बताना चाहूँगी, हम हर उस बंदे से हाथ भी मिलाएंगे, हर उस बंदे के किरदार को सराहेंगे भी जो आईन और कानून की बालादस्ती के लिए खड़ा होगा, जो जमहूरियत की बालादस्ती के लिए खड़ा होगा, जो ये नहीं है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का साथ देगा, जो पाकिस्तान और 25 करोड़ अवाम का साथ देगा। मुझे लास्ट में बताएं कि लाहौर जलसे के वजह से क्या तैयारियाँ, आपकी क्या तैयारियाँ? देखिए मेरी एक बात सुन लें, हम कॉर्नर मीटिंग्स भी कर रहे हैं, हम डोर टू डोर कैंपेन्स भी कर रहे हैं। हमारी, मैं आपको कल से बता दूं कि एक काफिला निकलेगा सीएम साहब की, जो जिसको ये बारात कहें, हम तो काफिला ही कहेंगे, वो निकलेगी इंशाल्लाह केपीके से, बाकी पूरा पंजाब क्या पूरा पाकिस्तान निकलेगा। और हम तो हमेशा कहते हैं NA 118 खान का था, खान का है, खान का रहेगा, साथ NA 119, 120, 117, वो सारा एक इलाका वही है जो बहुत ज़्यादा मेजर पॉपुलेशन ऑफ लाहौर वहीं पर है, और इंशाल्लाह ताला वो अपने हक के लिए, अपनी खान के आज़ादी के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, अदलिया के साथ इजहार यकजहती के लिए उस दिन निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा। मैं आपको आज ये बता रही हूँ, हमारे काफ़िले निकलना शुरू हो जाएंगे, आज से आपको सब कुछ नज़र आना शुरू हो जाएगा, पूरी एक्टिविटी स्टार्ट हो चुकी है और जलसे की फुल फ्लेज तैयारी हो रही है। हम आईनी तरीके से चाहते थे कि हमें जगह दे दें, नहीं देंगे, तो NOC 804 तो जारी हो गया है और जलसा तो होगा, एक जलसा रोकेंगे तो हर जगह जलसा होगा, फिर तो उसकी जिम्मेदारी इन पर होगी ना कि ये जैसे ये पूरे मुल्क को कंटेनरिस्तान बना देते हैं, हम पूरे मुल्क को जलसागाह बना देंगे।